hello friends welcome to study hack channel i hope you all are doing well and preparing well for your examination so we are now discussing idiom series in which i will discuss all the idioms approx i will discuss 99% of the idioms i don't claim that i discuss all the 100% idioms because everyday you saw in every exam there are some idioms that are new to us so we will cover 99% ऑफ द वो भी एकदम इजी वे में ठीक है इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं अगर एक दो इडियम ऐसे कभी कभी इजी एग्जाम में आ जाते हैं तो वो भी मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा तो अभी तक हमारी तीन क्लासेस क्लासे ऑलरेडी हो रखी है अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस क्लास के एंड होने के बाद आप जरूर से जरूर देखिए और अभी तक तीन क्लास में हम लोगों ने 65 फाइव एडियम ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है वो भी बहुत ही इजी वे में जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो मैंने लगाया कि कैसे मैं उसको पिक्चर के साथ आपको रिलेट करवा के चीजें याद करवाता हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और अप्रोक्स इस सीरीज में हम लोग चौदह सौ से भी ज्यादा ईडियम्स पढ़ेंगे और याद कर लेंगे क्लास में ही ठीक है क्लास के बाहर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी आप सिर्फ क्लास देखोगे वीडियो को देखोगे और आपको सारी चीजें याद हो जाएगी क्योंकि हम इसमें पिक्चर टेक्निक का यूज करते हैं चलिए नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं सिक्स इडियम कौन सा है मूट पॉइंट ठीक है मूट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जिस पे आप डिबेट कर सकते हो ठीक है विवादस्पक बिंदु होता है जिस पे आप विवाद कर सकते हो मूट और म्यूट अलग अलग चीजें हैं ठीक है म्यूट होता है जहां पे आप स्पीचलेस हो जाते हो और मूट जहां पे आप डिबेट करते हो ठीक है तो मूट जो है वो म्यूट का एकदम अपोजिट हो जाएगा देख पा रहे होंगे आप इस पिक्चर से मैं आपके लिए ये इमेजेस लाता हूं जहां से भी हो मैं सोच से लेके आता हूं ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ कि मूट और म्यूट में कंफ्यूज मत होना और मूट पॉइंट है तो आप उस पर क्या कर सकते हो डिबेट कर सकते हो ऐसे सेंटेंस से समझो कि कोई आपसे पूछेगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा है ठीक है तो ये भी अभी तक डिबेट वाला पॉइंट है किसी को नहीं पता कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया ठीक है तो ये क्या है एक मूट पॉइंट है ठीक है मुर्गी से याद रखो मूट ठीक है मुर्गी मूट तो एक मूठ पॉइंट है कि मुर्गी आया या अंडा आया ठीक है इट्स अ मूथ पॉइंट वेदर द चिकन और द एग केम फर्स्ट ठीक है ये अभी तक क्या है विवाद वाला पॉइंट है कि समझ नहीं आ रहा कि पहले चिकन आया या फिर उसका अंडा आया ठीक है मुर्गी या उसका अंडा तो ये क्या है विवादास्पद बिंदु चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था ये ठीक है आप सभी लोगों ने सही से आंसर किया था कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछा था समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट Attempting something impossible. उसको क्या बोलते है? उसके लिए कौन सा घास के ढेर में सुई ढूंढना तो क्या होगा बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा घास के ढेर में अगर सुई खो जाए आप उसको ढूंढोगे तो बहुत ही क्या होगा डिफिकल्ट टास्क होगा ऐसी चीज जिसे ढूंढने में बहुत ही परेशानी हो। ओके

देख पा रहे इस बंदे को कि घास के देर में क्या ढूंढ रहा है तो सुई ढूंढ रहा है इसके लिए क्या है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है ए ठीक है ठीक कौन होता है फूल होता है मूर्ख आदमी अकल का अंधा बोल सकते हो आप मूर्ख बोल सकते हो ऐसे याद रख लेंगे नॉग निग नॉग कोई कर रहा है मतलब वो क्या है बेकूफ है क्या साउंड बना रहा है निग नॉग कर रहा है तो वो क्या है एक मूर्ख है आप देख लो इस मीम से देख लो ये बंदा ये बच्चा है इसने क्या किया अपनी टी-शर्ट को यहां से फाड़ लिया फट गया तो ये अपने पापा को कह रहा है कि डैड लुक कैन यू फिक्स इट क्या आप इसको फिक्स कर सकते हो तो इस बंदे ने क्या किया बच्चे को उठाया सीधे मशीन पे रख दिया और उसको फिक्स करने लगा अब वो ऐसे भी कर सकता था टी-शर्ट को निकाल के फिर उसको सिल सकता था लेकिन उसने बच्चे के साथ ही सिल दिया तो ये क्या है अकल का अंधा है मूर्ख सेंटेंस देख लीजिए टू Is such a रखना तो आपको निग नॉक का मतलब समझ में आ जाएगा ठीक है निग नॉक नाइजेरियन वाले लोग हैं ऐसे ऐसे बाल था ठीक है तो ऐसा आप चीजों को रिलेट करना है मैं रिसिस्ट वाली बात नहीं कर रहा आप रिलेट करने के लिए चीजों को यूज कर सकते कि वो नाइजेरिया नीक नॉग नाइजेरिया के थे उसके बाल ऐसे रफ थे और क्या था मूर्ख था बनना चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है अ पेन इन द नेक आपके गर्दन में दर्द हो ठीक है तो आप क्या हो जाते हो इरिटेट हो जाते हो बहुत ही एनॉइंग पर्सन होगा ठीक है असहनीय आदमी ऐसा आदमी जिसको आप सहन नहीं कर सकते सम वन और सम थिंग डैट इज एनॉइंग कोई व्यक्ति या कोई ऐसा चीज जो कि आप परेशानी दे ठीक है जो आपको एनॉय करता है परेशान करता है इरिटेटिंग और नॉय ठीक है जो आपको इरिटेट करता है अगर आपका कोई छोटा भाई होगा या बहन होगी तो वह क्या करते हैं आपको परेशान करते हैं जब आप स्टडी करने जाओगे वो बार बार आएगा और आपको क्या करेगा परेशान करेगा तो आप बोल सकते हो माय लिटिल ब्रदर इज अ पेन इन द नेक समटाइम्स मेरा छोटा जो भाई है वो क्या है मेरे लिए वेरी एनॉइंग पर्सन है ठीक है असहनीय आदमी है जिसको मैं सहन नहीं कर सकती कभी कभी ठीक है या मैं सहन नहीं कर सकता कभी कभी क्योंकि तो वो बहुत ही शैतान ठीक है हम हमेशा क्या करता है इरिटेट करता है पिक्चर से देख पा रहे होगा कि ये बंदा देखने में शैतान लगा और अपनी बहन को क्या कर रहा है परेशान कर रहा है तो क्या है इसके गले में नेक में क्या है दर्द है बात कर लेते नेक्स्ट है अब पेनेलोप्स वेब मतलब क्या था अनंत कोई भी चीज इंडलेस होगा उसको बोलेंगे पेनेलोप्स वेब अब ऐसे याद रखो वेव वेब का कोई अंत नहीं है ठीक है वेबसाइट पर जितना चीज ढूंढोगे ढूंढते चले जाओगे ठीक है उसका कोई अंत नहीं होगा लास्ट कभी नहीं आएगा एक चीज सर्च करो फिर उसके अंदर सर्च होगा फिर उसके अंदर सर्च होगा तो वेब से याद रखना कि वेब आएगा तो वो चीज क्या होगा इंग्लिश होगा आप इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो ठीक है आपने महाभारत देखा होगा ठीक है जब चीरा हो रहा था तो साड़ी क्या था उसका बहुत इंग्लिश था कुंती का साड़ी क्या था इंग्लिश था वो क्या था एक पेनेलोप्स वेब था इंग्लिश तो ऐसे आप चीजों को याद कर सकते हो ऐसा काम जो कभी खत्म ना हो ओके चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है फॉर योर कोई क्या सोच रहा है या पूछने का एक तरीका होता है कहता कि तुम अगर मुझे इस चीज पर राय दोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा मतलब वो आपकी राय जानना चाहता आपका थॉट ठीक है आपका आइडिया जानना चाहता है कि आप क्या सोच रहे वे ऑफ आस्किंग वन इजिंग ठीक है ये एक तरीका है किसी से ये पूछने का कि आपके दिमाग में आपका विचार क्या है आपके दिमाग में क्या चल रहा है ठीक है तो बोलते क्या है A penny for your thought. ठीक है देख पा रहे होंगे कि ये एक ब्रेन है इसमें क्या डाल रहा है एक पेनी डाल रहा है सिक्का डाल रहा है कि ताकि उसका थॉट जो भी है वो बाहर आ जाए ठीक है फॉर सेवरल मिनट्स दे सैट साइलेंटली देन फाइनली सी लुक्ड एट हिम एंड सेड पेनी फॉर योर थॉट वाल्टर सेंटेंस में आप ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है पेंट्स थाउजेंड वर्ड्स ठीक है, एक चित्र में एक हजार शब्द ठीक है वो भी पिक्चर होता है वो पोर्ट्रेट या कन्वे करता है बहुत सारी आइडियाज को ठीक है एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवलीस्क्रिप्शन जैसे कि मैं आपको सिर्फ वर्ड्स वर्ड्स दे दूं ठीक है सिर्फ आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स होता है या फिर इडियम्स अभी मैं करवा रहा हूँ तो इडियम्स बताऊं उसका मीनिंग्स बताऊं ठीक है तो आपको वो एक चीज बताएगा लेकिन जब मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ तो वो बहुत ही क्लियरली आपको चीजें क्या करता है बया करता है तो ये इडियम खुद एक पिक्चर के साथ है ठीक है ये खुद अपना कहानी कह रहा है अ पिक्चर पेंट्स ऑफ थाउजेंड्स वर्ड ठीक है तो हमारी क्लास भी यही बात कह रही है कि पिक्चर का हेल्प से मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं कोई तो भी चीज को ठीक है तो याद रखना पिक्चर क्या करता है पेंट करता है अ थाउजेंड वर्ड मतलब एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कर्नवे इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन अ इफेक्टिवलीस्क्रिप्शन ठीक है आपको कोई पिक्चर दिखाए तो आप चीजों को लंबे समय तक रिटेन करते हो और जल्दी से समझ लेते हो जैसे कॉमिक्स बुक आपको जल्दी समझ में आती है और नोवेल में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपको चीजों को पिक्चराइज करना पड़ता है ठीक है आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक मतलब आसान थे अ वेरी इजी टास्क केक जहां से भी रिलेटेड होगा वो बहुत ही इजी होगा अ पीस ऑफ केक ठीक है मतलब वेरी इजी ये मैं आपको पहले भी करवा रहा खाऊं केक वाक जैसा ठीक है तो वो भी इजी टास्क था चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है अ पीस ऑफ द पाई ठीक है आपको पाई होता है ठीक है पाई एक केक जैसा होता है तो इसमें आपको क्या चाहिए एक पीस चाहिए एक टुकड़ा चाहिए मतलब आपको पैसे में हिस्सेदारी चाहिए और शेयर इन मनी और बिजनेस ठीक है पैसे या बिजनेस में आपको जब एक शेयर चाहिए होता हिस्सेदारी चाहिए होता है तो उसके लिए आप इम यूज करते हो पीस ऑफ द पाई ठीक है देख पा रहे एक पाई है तो हर कोई अपना अपना क्या कर रहा है पीस को अपने तरफ खींच रहा है हैंग ऑन टू योर सेंटेंस देख लो द बिजनेस स्टार्टेड तो मुझे इतना हिस्सा मिलना चाहिए ठीक है आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हुई पिक्चर से की अब पीस ऑफ पाई क्या होता है पाई का पीस ले रहे हो मतलब आप क्या ले रहे हो हिस्सा ले रहे हो और यहाँ पे किस चीज के रिस्पेक्ट में तो कोई पैसा होगा या बिजनेस होगा ओके चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है अ रेनिंग डे मतलब मुश्किल घड़ी टाइम ऑफ बारिश का दिन ठीक है अब सुबह सुबह उठो मूसलाधार बारिश हो रही होगी तो अगर आप काम वाम करते हो तो आपके लिए तो डिफिकल्ट वाला सिचुएशन होगा लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन होता है वो सोचता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है लेकिन पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है कि अरे यार इसको स्कूल भेजना है बहुत मुश्किल वाली बात होगी कि इसको स्कूल कैसे भेजे तो अरेनी डे मतलब मुश्किल की घड़ी बारिश हो रही मतलब टाइम ऑफ डिफिकल्टीज ठीक है बहुत तक बारिश लगातार हो गई तो आपके लिए डिफिकल्टीज होगी कि आपका राशन पानी कैसे आएगा जो डेली वर्कर होते हैं जो डेली कमाते हैं उनके लिए मुश्किल घड़ी होती है तो रेनी डे मतलब मुश्किल घड़ी देख लो आप सेंटेंस देख लो लेट्स सेव सम मनी फॉर डे चलो कुछ पैसे जमा कर लेते हैं किसके लिए रेनी डेज के लिए कि जब मुश्किल की घड़ी आएगी तब काम आएगा किरण ये सब तो इजी है समथिंग दैट प्रोवाइड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और रे ऑफ होप कब होता है जब आप किसी मुसीबत में हो तब तो आपको छोटी सी भी जो आशा दिखती है आशा की किरण दिखती है कोई उम्मीद दिखती है उसी को बोलते हैं अरे ऑफ होप देख पा रहे इस पिक्चर से कि यहाँ पे प्लेन क्रैश कर गया और दूसरा प्लेन जा रहा है तो इन लोग के लिए क्या है एक रे ऑफ होप है लुक अ प्लेन देर रे ऑफ होप ये ठीक है देखो वो प्लेन जा रहा है अभी भी हमारे पास आशा की एक किरण है अगर उस प्लेन वाले ने देख लिया कि हम लोग यहाँ है तो हम लोग को रेस्क्यू कर सकते ठीक है तो पिक्चर से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी दिमाग में रखना ये पिक्चर ध्यान में रखना रे ऑफ होप की एक आईलैंड था रे ऑफ होप में और वहां पे एक प्लेन क्रैश हो गया कुछ लोग मर गए और कुछ लोग सर्वाइवल थे फिर उनको अचानक से एक और प्लेन जाता हुआ दिखा तो उनके लिए क्या था एक आशा का किरण थी। ठीक है स्टोरी के रूप में चीज़ों को याद करो लंबे समय तक याद रहेगा और क्लास के बाद आपको चीज़ें दिमाग में खुद खुद फिट हो जाएगी आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होगी बस आप एक बार पीडीएफ से जाकर देख लेना या क्लास को दोबारा रिपीट करके टू एक्स मोड पे ही देख लेना तो आपको चीजें खुद ब खुद माइंड में आती चली जाएगी चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे मतलब महत्वपूर्ण दिन ठीक है एन इम्पोर्टेंट डे अ डे दैट इज प्लीजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल हैप्पी है पत्र लाल पत्र वाला दिन है ठीक है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है ऐसे जनरली आप कार्ड देखो तो लाल तो नहीं होता है पर भगवा कलर का होता है आप उसको रेड सेलिब्रेट कर सकते हो तो, तो आपकी शादी का कार्ड है ठीक है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है अगर आप भूल गए शादी का दिन तो फिर आपकी खैर नहीं होगी तो इसलिए रेड रेड लेटर डे 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 मतलब इंपॉर्टेंट सेंटेंस देख लो टुमारो इज आवर वेडिंग दैट विल बी फॉर इम्पोर्टेंट डेटेंस टूमोरो क्या बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आप भूल के दिखाओ फिर आपकी बीबी आपको बताएगी तो रेड लेटर डे रे से याद रखना एक कपल था उसकी शादी हो रही थी ठीक थी? है लाल अक्षर से लिखा होता है है, फ्लावर रोड ए, ये रोजेस जो थे वो रेड थे उसमें एक लेटर था रेड लेटर डी ठीक है मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है टू अब, अब क्या है मुसीबत को न्योता दे रहा हूं अब को सांड को क्या दिखा रहा है लाल कपड़ा दिखा रहा है, फिर तो वो आपको छोड़ेगा नहीं ठीक है एन ऑब्जेक्ट अ ट्रेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक सम कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई शब्द होंगे या कोई आपकी हरकत होगी जो क्या करे किसी को ठीक है।, है अगर किसी को तो वो फिर आपकी अच्छे से क्लास ले लेगा जैसे इस बंदे को देखो क्या कर रहा को बुल को क्या दिखा रहा लाल कपड़ा दिखा रहा है फिर इसकी तो ख्याल नहीं है सेंटेंस देख लो जस्ट हिज पुअर मानस टू हिम वाज लाइक बात है आप उसके क्रस के सामने उसका पुअर मार्क बता दो फिर क्या होगा उसको तो आप रेड रैग दिखा रहे हो किसको बुल को मतलब आप मुसीबत को न्यौता दे रहे हो फिर कहेगा अच्छा बेटा चलो बाहर मिलो फिर मैं बताता हूँ बहुत अभी बता रहे मेरे खराब मार्क्स के बारे में मेरे क्रस ठीक है तो ऐसे चीजों को याद करना चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है एप्पल और कोई एप्पल सड़ जाएगा क्या खराब हो जाएगा कोई और दूसरा एप्पल आप उसके साथ नहीं रखना चाहोगे मतलब क्या वो एक बुरी संगती है सिंगल बैड पर्सन और उसमें एक कोई बंदा थोड़ा सा रॉटेन एप्पल होता है बुरी संगत वाला होता है ठीक है जैसे देख पा रहे ये एप्पल क्या है रोटेन है सड़ गया इसमें क्या लग गया है वर्म्स लग गए क्या लग गए सेंटेंस देख लो इंटायर डिपार्टमेंट ऑफ रॉन्ग डूंग्राई टू फाइंडियलीसा नहीं कि आप पूरे डिपार्टमेंट जो गलत कर रहे हैं ऐसा करके आप उस पर आरोप लगाए उससे पहले आपको चाहिए कि आप उस बंदे को फाइंड आउट करें या उस व्यक्ति को फाइंड आउट करें जो बुरी संगत वाली है जिसने ये प्रॉब्लम को कॉज किया ठीक है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है आप उसे ढूंढो ना ठीक है जो बंदा आपके ग्रुप में बुरा है आप उसको ढूंढो बुरी संगत वाले उसको आप पिन आउट करो उसको अलग करो ऐसा नहीं है कि पूरे ग्रुप को ही बुरा बोल दो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट है अ मतलब क्या है ऐसा व्यक्ति जिसकी आप निंदा नहीं कर सकते जैसे कि आप सनातन धर्म में काउ क्या होती है हमारे लिए सेक्रेड होती है बहुत ही पवित्र होती है हम उसकी बुराई नहीं कर सकते उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप पिक्चर से पूरा रिलेट कर लोगे चीजों को अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज ऐसा व्यक्ति जिसको हम कभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ओके चलिए सेंटेंस देख ले द ओल्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम हैज बिकम अ ओके चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मतलब क्या है अ रिलायबल पर्सन एक जोड़ी हाथ है जो क्या बहुत ही सुरक्षित है चीजों उसके अंदर क्या होगी सुरक्षित होगी मतलब आपके लिए वो क्या है ट्रस्टफुल पर्सन है जिसपे आप विश्वास कर सकते हो विश्वसनीय व्यक्ति है आपके लिए आप जिसपे रिलायबल हो सकते हो तो आपके लिए वो क्या है ए रिलायबल पर्सन ठीक है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड दिख रहा है यहाँ पे सेंटेंस है कि सेफ है तो आप उस उसपे क्या कर सकते हो विश्वास कर सकते हो देख पांग ये हाथ क्या है आपको सेफ रख रहा है तो ये क्या है ए सेफ पेयर ऑफ सेंटेंस देख लो ही हैज नाउ हेल्ड फा नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है अंद्र इतना आप क्या कर दो उसमें बदलाव ला जाओ ठीक है अगर समुद्र इतना बदलाव लाओगे किसी भी चीज में तो क्या होगा पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा ठीक है आप उसको नोट कर सकते हो ठीक है प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन या बोल सकते हो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से उसमें क्या आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए उसी को बोलते हैं असी चेंज सेंटेंस देख लो देयर वाज अ सी चेंज इन हिज पर्सनालिटी आफ्टर ही मैरिड हिज वाइफ तो शादी करने के बाद आपके अंदर पूर्ण परिवर्तन आ जाता है पहले आप बैचलर थे कहीं भी रात देर रात तक तो घूमते रहते थे बाइक स्पीड से चलाते रहते थे जैसे ही आपकी शादी हुई आपको ख्याल आया कि मैं घर पे कोई इंतजार कर रहा है बाइक तो स्लो चला रहे हो जल्दी घर पे आ रहे हो तो आपके अंदर क्या हो रहा है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर लेते हैं। है इन द आर्म आपके आर्म पे एक लग गया। मतलब समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट कुछ ऐसा चीज जो आपको उत्साह दे या प्रोत्साहन दे जैसे कि कोविड के टाइम में जब कोविड वैक्सीन आई थी तो वैक्सीन लेने के बाद हम लोग के अंदर बहुत सी इंकरेजमेंट हुआ था कि चलो अब तो बच जाएंगे अब हम कोविड से नहीं मरेंगे ठीक अब पिक्चर से रिलेट कर लो कि कोविड का समय याद कर लो कि कोविड के समय जैसी वैक्सीन आया था हमारे आर्म में लगता था हम बहुत ही खुश होते थे इंकरेज करते थे उत्साह आ जाता था कि अरे अब तो हम कोविड से बच जाएंगे सेंटेंस देख लो एग्जाम्पल वाला एक सेंटेंस देख लो अब कैसे यूज होगा विनिंग दिस अवार्ड हैज बीन अ बिग शॉट इन द आर्म फॉर स्टूडेंट इस अवार्ड को जीतना बहुत ही क्या था उत्साहवर्धक था स्टूडेंट्स के नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है है तो लेट फॉर शोर आइस आंख की ठंडक सोर मतलब क्या था है बीटर कोई भी चीज बीटर हो या फिर खराब हो जैसे सोर हो जाता है बीटर आपका सोर थ्रोट हो जाता है जब करवाहट लगती है आपको गले में ठीक है ऐसा तो साइट जो आपके कड़वाहट भरी आंखों को ठंडक पहुंचाए ठीक है उसी को बोलते हैं साइट फॉर सोर आइज अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली टू सी कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई चीज हो सकती है जिसको देख के किसी भी पर्सन को राहत मिले ठीक है उसको अच्छा महसूस हो जैसे देख पा पाएंगे ये हैंडसम बंदा देख के इन दोनों लड़कियों को क्या हो गया उनके आंखों को ठंडक ही इज मिले साइट फॉर सोर आइज ओके चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है अस्नेक इन द ग्रास मतलब क्या होता है आस्तीन का सांप ये सब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आस्तीन का सांप होता क्या है अ ट्रेचेरियस पर्सन ठीक है धोखेबाज व्यक्ति एन अनरिलायबल एंड डीसीटफुल पर्सन ऐसा व्यक्ति जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते धोखा दे सकता ऐसा व्यक्ति या आपका छुपा हुआ दुश्मन दरअसल सब झाड़ियों में छिप जाए तो क्या होता है वो दिखाई नहीं देता जैसे आप पास में जाओगे आपको करके डस लेगा ठीक है तो ये तो बहुत इजी था चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये हमारा नेक्स्ट इडियम कौन सा है तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो कौन सा है अर पॉइंट ठीक है अभी शोर बताया बीटर या कोई इंजरी हो जाती है तो दुखी करने वाली बात को बोलते हैं शोर पॉइंट ऐसा पॉइंट जो कारवाहर से भरा हो तो आपको क्या होगा दुख पहुंचेगा समथिंग विच हर्ट ऐसा चीज जो आपको दुख पहुंचाए जैसे आप देख पा रहे हो इस इमेज से कि जैसे आपकी उंगली पे या नाखून पे लग जाए तो वो आपके लिए शोर पॉइंट होता है बहुत ही दर्द दे देता है शोर पॉइंट चलिए सेंटेंस देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज होता है डोंट टॉक अबाउट डाइटिंग सीमा इट इज हर सोर ठीक है सीमा के सामने डाइटिंग का कोई बात मत करना कि सीमा होगी मोटी सब्जी उसके लिए क्या है दुख की बात है सब डाइट कर रहे हैं सब का वेट कम रहा है लेकिन सीमा का नहीं कम रहा है तो उसके लिए क्या है दुख करने वाली बात है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट इडियम है अस्क्वायर डिग्री आपने स्क्वायर देखा होगा तो उसका चारों साइड्स एंगल सारा कुछ क्या होता है इक्वल होता है फेयर होता है मतलब उचित समझौता स्क्वायर डील मतलब एग्रीमेंट मतलब उसमें कोई डिजॉनेस्टी नहीं होगी एक समान होगा तो इसलिए कहा जाता है स्क्वायर स्क्वायर से याद रखना कैसा होता है एक समान होता है, होता है तो अफेयर एग्रीमेंट सेंटेंस देख लो आई थिंक वी गॉट अ स्क्वायर डील ऑन ठीक है और एक और सेंटेंस देख लो माई फादर एडवाइज मी टू बी फेयर स्क्वायर मतलब क्या है ऑनेस्ट इन बिजनेस डी मेरे पिताजी ने मुझे क्या एडवाइस किया कि बिजनेस का जो भी डील हो उसमें क्या रहो हमेशा ऑनेस्ट रहो एक फेयर एग्रीमेंट करो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है a stiff -necked person. उसका गर्दन क्या है बहुत ही stiff है सख्त है मतलब क्या अरियल व्यक्ति ऑब्स्टिनेट पर्सन कैसा व्यक्ति है अरियल है जो अपनी जिद पे आ रहा होगा कहेगा नहीं मैं यहाँ से नहीं हटूंगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी जिद पे हट जाते हैं चाहे वो सही हो या गलत हो आप पिक्चर से देखो कि इसका नेक जो एकदम सीधा है ये बहुत अरियल है बोला तुम सामने से हटो नहीं हटोगे तो मैं तुमको हटा दूंगा कैसे तो अपने गर्दन से हिट करके मतलब क्या है अरियल व्यक्ति ठीक है चलिए सेंटेंस देख लीजिए क्या है माई स्टिफ नेक्ड ओल्ड अंकल एंग्री रिफ्यूजे टू वीअर बूट्स एंड मेरे जो बूढ़े और गुस्से वाले अरियल अंकल थे उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया बूट और हैट पहनने से होता है अंकल आपके होंगे फूफा या ताऊ कोई होंगे जो शादी ब्याह का माहौल चल रहा तो अलग ही अरियल बने रहते कि नहीं मुझे ये नहीं करना मुझे ये करना ऐसे आप रिलेट कर सकते हो उनका नेक क्या रहता है हमेशा स्टिफ रहता है बहुत ही सख्त रहता है ऐसे गर्दन ऊंची करके जिराफ जैसे खड़े करके हमेशा रहेंगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है हमारा तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है a stones थ्रो अवे इतनी दूरी है जहां पे आप पत्थर फेंक के मार सकते हो मतलब क्या है बहुत ही कम डिस्टेंस है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस जैसे आप और आपका पड़ोसी कितने दूरी पे रहते हो कि आप एक दूसरे को पत्थर मार सकते हो झगड़ा हो तो ठीक है तो आप उसको बोलोगे अस्टोन्स थ्रो अवे थोड़ी दूरी पर ठीक है देख पा पिक्चर से कि ये दोनों थोड़ी दूरी पे घर है यहां से पत्थर फेंको यहाँ इसके पास आएगा ये पत्थर फेंके, आपके पास अब पत्थर उठाओ फेंको जितनी दूरी जाएगा वही होता है अस्टोन्स थ्रो अवे मतलब एट शॉर्ट डिस्टेंस माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अटोन्स थ्रो फ्रॉम माई मेरे दोस्त का जो घर है वो बहुत ही थोड़ी दूरी पे है अगर मैं यहां से पत्थर फेंकू तो उसके घर चला जाएगा वो पत्थर फेंकेगा तो मेरे घर चला चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है इन क्या है आपके टी कप में ठीक है आपके चाय के प्याले में क्या है है तूफान बचा हुआ है मतलब आप बात का बतंग बना रहे होगी आपके चाय के कप में कोई तूफान वूफान नहीं उठेगा बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर छोटा मोटा मैटर है उसमें आप बड़ा ताम झाम बना रहे हो बात का भतंगर बनाते जा रहे हो उसके लिए यूज करते हैं अस्ट्रॉन्ग इन कप चाय के प्याले में क्या है स्ट्रॉन्ग है तूफान आया हुआ है कभी तूफान आ सकता नहीं आ सकता तो आप क्या कर रहे हो बात का भतंगर बना रहे हो पिक्चर से देख पा रहे हो आप रिलेट कर लो सेंटेंस देख लो कैसे यूज करेंगे इसको इट वुड सीम दैट द प्रोसेस हैज कम अ लॉन्ग वे फॉरवर्ड एंड दिस इज प्रोबेबली स्ट्रॉन्ग इन अ टी तो ऐसे आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं नेक्स्ट, बात कर लेते। नेक्स्ट हाँ, आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में बताना है इसके लिए कौन सा होगा एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस इसके लिए अप्रोप्रिएट ईडियम क्या है आपको कमेंट करके बताना और आपके हिंट के लिए मैंने ये पिक्चर भी दे रखा है कि जो स्टोन है वो क्या है ऐसे बीच में खड़ा है तो स्टोन से ही रिलेटेड है ठीक है तो आप कुछ चीजें आंसर करने में बहुत ही आसानी होगी चलिए बात कर ले तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट में हमें यह भी बताएं कि आपको और क्या चाहिए किस टॉपिक पर क्लास चाहिए ताकि मैं उस पर प्रिपेयर करता रहूं साथ के साथ इस क्लास के साथ ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेक केयर